क्लाउन्स, एक ऐसे जीव जो शायद पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बीच कहीं होते हैं। कई लोगों को भूत, प्रेत और आत्माओं से शायद इतना डर नहीं लगता जितना एक क्लाउन से लगता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक क्लाउन की है, जिसका कहर एक छोटे से शहर बेरेक टाउन में कुछ ऐसा फैला कि वहां के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। आज आना का बर्थडे है, वो पूरे 13 साल की हो गई है। उसके बर्थडे पर उसकी मॉम मेगन और डैड स्टीव ने पूरा घर सजाया है, पर आना ने सुबह से अपना कमरा ही नहीं खोला। आना, ओपन द डोर बेटा। देखो, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए पूरा घर डेकोरेट किया है। आना, जिद नहीं करते, जल्दी से बाहर आओ। आप अपनी मॉम को परेशान मत करो। मेगन और स्टीव के कई बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। अंदर से बस सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर आना के पेरेंट्स थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने फिर से एक बार आना को दरवाजा खोलने के लिए कहा तो आना उन पर चिल्ला पड़ी, बस करो, प्लीज बस करो। पर आना बेटा, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ तुम दोनों की वजह से हुआ है। अब मैं जहां पहुंच गई हूँ वहां से वापस नहीं आ सकती। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। आना अपने घर वालों पर चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ी। उसके बेड पर उसके पास ही एक डॉल पड़ी थी, एक क्लाउन की डॉल। उसने उस डॉल को उठाया और रोते रोते गले से लगा लिया। लेकिन आज जो हो रहा था वो पहली बार नहीं था। आना वैसे तो बहुत ही हसमुख और खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, पर करीब 3 महीने पहले जब उसे पार्क में खेलते हुए वो क्लाउन डॉल मिली थी, तब से वो दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। लोगों से ठीक से बात ना करना, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाना और अपने रूम में घंटों घंटों तक खुद को लॉक कर देना। आना ने अपने सभी दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया था। वो बस पूरे टाइम अपनी क्लाउन डॉल से ही खेलती रहती थी। पहले तो आना के पेरेंट्स को लगा कि शायद बच्चों के अंदर टीनेज की उम्र में ऐसे बिहेवियर चेंजेस या बदलाव आते ही हैं। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ रही थी। आना के ऐसे बुरी तरह चिल्लाने के बाद आना की मॉम मेघन के भी आंसू आ गए थे। आना के डैड स्टीव ने मेघन के कंधे पर हाथ रखा और मेघन को दिलासा देते हुए वो उसे आना के कमरे के दरवाजे से दूर लेकर चला गया। लेकिन आना के साथ अंदर कोई और भी था। वो क्लाउन डॉल अब आना के पास नहीं थी, बल्कि आना के पास खुद एक क्लाउन बैठा था जो आना के आंसू पोंछ रहा था। आना की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था वो बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही अजीब होने वाला था उस रात, जो बेरेक टाउन के हर एक इंसान का दिल दहला देने वाला था। रॉबिन, एक टीनेजर, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस घर लौट रहा था। शाम का समय था और मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। एकदम से बादल गरजने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। जोरों की एक बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रॉबिन को अब अपनी बाइसिकल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वो किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके सामने कोई आ गया। कोई अपने हाथ में बड़े सारे गुब्बारे लिए रोड के ठीक सामने खड़ा हो गया था। वो कौन था पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा गुब्बारों के पीछे ढका हुआ था। रॉबिन को कड़कती बिजली और बारिश में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ताकि वो उस इंसान से टकरा न जाए, इसलिए उसने
जल्दी से अपनी बाइसिकल का हैंडल मोड़ा और उसके हैंडल मोड़ते ही उसकी बाइसिकल रोड पर फिसल गई और रॉबिन धम से जमीन पर नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। रॉबिन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और जब उसने आसपास उस इंसान को देखने की कोशिश की जिसका चेहरा गुब्बारों के पीछे छुपा हुआ था, तो वो इंसान दूर दूर तक कहीं नहीं था। फिर अचानक बिजली कटी और वो आदमी रॉबिन के ठीक सामने आ गया। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। रॉबिन के सामने कोई और नहीं बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन खड़ा था, जिसे देखते ही रॉबिन कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, जब रॉबिन देर रात तक घर नहीं आया तो रॉबिन के पेरेंट्स ने उसके बारे में सब जगह मालूम किया, पर कुछ पता नहीं लगा। जब कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पुलिस को खबर की। पूरे शहर में रॉबिन की खोज शुरू हो गई। छानबीन के दौरान एक पुलिस कार उसी रोड से गुजर रही थी जिस पर रॉबिन कुछ देर पहले अपनी बाइसिकल से गिरा था। वो पुलिस कार एक जगह आकर रुकी। वहीं पास में रॉबिन की बाइसिकल भी गिरी पड़ी थी। उस कार में से दो ऑफिसर्स उतरकर रोड के दूसरी तरफ के एक पेड़ को देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। जल्दी से सर को फोन लगा। सर। हाँ बोलो। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मारकर पेड़ पर लटका दिया है। What? सर, आप जल्दी आ जाइए। रॉबिन मर चुका था। उसकी गर्दन से अब भी वही गुब्बारे लटके हुए थे जिसे वो क्लाउन अपने हाथ में लेकर घूम रहा था। एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि रॉबिन के पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर उस रात एना के चेहरे पर अब फाइनली एक मुस्कान थी और वो उसी डॉल जैसे दिखने वाले क्लाउन के साथ अपने कमरे में नाच रही थी। रॉबिन की मौत से पूरा बेरिक टाउन कांप उठा था, लेकिन किसे पता था कि रॉबिन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। 15 साल के रॉबिन का इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ था कि पूरा बेरिक टाउन बस उसी की बात कर रहा था। हर न्यूज चैनल पर बस रॉबिन की ही डेथ की न्यूज चल रही थी। कल रात हुए मर्डर से पूरा बेरिक टाउन शॉक में है। किसी ने एक 15 साल के लड़के को आधी रात में बेरहमी से मारकर एक पेड़ से लटका दिया। उस लड़के के चेहरे पर एक क्लाउन जैसा मेकअप भी पाया गया। आइए जानते हैं सीनियर ऑफिसर जेराल्ड से कि वो अब क्या एक्शन लेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसने भी ये किया है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। जॉनी भी टीवी पर न्यूज देख रहा था। जॉनी रॉबिन का दोस्त और क्लासमेट था। पिछली शाम मरने से पहले रॉबिन जॉनी के घर पर ही हैंगआउट कर रहा था। जॉनी भी रॉबिन की डेथ से घबराया पड़ा था। उसकी मॉम उसकी घबराहट को देखकर उसके पास आई और टीवी का चैनल चेंज कर दिया। बेटा, ये सब न्यूज देखना बंद कर, हम जरा रॉबिन के पेरेंट्स से मिलकर आ रहे हैं। तू बिल्कुल भी बाहर मत जाना, ओके? जॉनी के पेरेंट्स रॉबिन के घर के लिए निकल गए और जॉनी फिर से टीवी पर न्यूज लगाकर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में टीवी के सारे सिग्नल चले गए। घर की लाइट्स भी अचानक ऑफ हो गईं। टीवी भी बंद हो गया, लेकिन अचानक टीवी दोबारा ऑन हुआ। टीवी की स्क्रीन पर जॉनी को जो दिखा उसे देखकर वो सुन पड़ गया। टीवी की स्क्रीन पर वही भयानक क्लाउन था। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। टीवी पर उस क्लाउन के हंसते ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जॉनी सुन्न होकर टीवी स्क्रीन पर उस खौफनाक क्लाउन को देखे ही जा रहा था कि अचानक वो क्लाउन टीवी के बाहर आ गया। ट्विंकल ट्विंकल
लिटिल स्टार। एना का घर अब भी सजा हुआ था। पिछले कुछ दिनों की तरह एना आज भी बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी। पर एना की मॉम मेगन काफी घबराई हुई थी क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे और एना अब तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता था और एना को अब तक हर हाल में घर आ जाना चाहिए था। मेगन ने आस पड़ोस में पता किया तो सभी बच्चे स्कूल से वापस अपने अपने घर आ चुके थे। जो कुछ भी बैरिक टाउन में चल रहा था उससे मेगन वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उसने स्टीव को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बताया। स्टीव भी मेगन की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। वो फौरन ही एना को ढूंढने के लिए ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी ओर जब जॉनी के पेरेंट्स घर वापस आए तो उनकी जान ही निकल गई। जॉनी घर के हॉल की सीलिंग से नीचे लटका हुआ था। उसके गले में कई सारे गुब्बारे बंधे थे और उसके चेहरे पर भी ठीक वैसा ही जोकर वाला मेकअप था जैसा रॉबिन के चेहरे पर था। बैरिक टाउन में एक और मर्डर हो चुका था। जॉनी भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन बैरिक टाउन की पुलिस के हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर जेराल्ड को अभी कुछ महीनों पहले ही बैरिक टाउन में ट्रांसफर किया गया था। जेराल्ड ने कई हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व किया था, लेकिन ये जेराल्ड का पहला केस था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर्स हो कैसे रहे हैं। मर्डर्स लोकेशन पर किसी के कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। एविडेंस के नाम पर भी थे तो बस कुछ अतरंगी से दिखने वाले गुब्बारे जिन पर अजीब से चेहरे बने थे। खैर, जेराल्ड को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो था उन बच्चों के चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप। जेराल्ड ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को शहर में जितने भी क्लाउन या सर्कस वाले थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। उधर किसी के पास भी एना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। स्टीव और मेगन डरे सहमे से पूरे बैरिक टाउन में एना को ढूंढ रहे थे। तभी स्टीव का फोन बजा और उसके फ्रेंड पीटर ने उसे बताया कि एना को किसी ने बैरिक टाउन ग्रेवयार्ड जाते देखा था। स्टीव और मेगन तुरंत बैरिक टाउन ग्रेवयार्ड पहुंचे। उन्होंने देखा कि एना की बाइसिकल उस ग्रेवयार्ड के बाहर ही पड़ी है। वो फौरन अंदर गए। एना उस ग्रेवयार्ड के अंदर बैठी रो रही थी। उसके मुंह पर लाल पेंट से एक लंबी सी लाल लाइन पेंटेड थी जैसे किसी क्लाउन की स्माइल बनी हो। उसकी आंखों के पास काला पेंट था जो एना के आंसुओं से अब भी गीला था। मेगन ने घबराई हुई एना को देखते ही कस के गले लगा लिया। एना के पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाने लगे। ग्रेवयार्ड से निकलते हुए एना ने जब एक नजर पीछे घुमाई तो उसे ग्रेवयार्ड के अंदर वही क्लाउन दिखा जो एक रात पहले उसके कमरे में उसके साथ नाच रहा था। उसने एना को मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से बाय कहा। एना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस उस क्लाउन को देखती रही। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। उस बिजली की कड़क में वो साधारण सा दिखने वाला क्लाउन अचानक से वही एक खौफनाक क्लाउन बन गया जो रॉबिन और जॉनी को उनके मरने से पहले दिखा था। चीजें अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी। तभी ऑफिसर जेराल्ड को इस केस से जुड़ा अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला। ऑफिसर जेराल्ड के केबिन में उसका एक टीम मेंबर आया और उससे बोला, एक क्लाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, आई थिंक यू शुड सी इट। जेराल्ड कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो उसने देखा कि स्क्रीन पर कुछ फोटोज प्रोजेक्ट हो रही थीं।
उन्हें देखकर जेराल्ड शॉक्ड हो गया। सर, आज से करीब 10 साल पहले पुलिस ने जेम्स नाम के एक सीरियल किलर को अपनी कस्टडी में लिया था। जेम्स अपने प्रोफेशन से एक क्लाउन था और उसने अपनी पूरी सर्कस टीम के हर एक इंसान को एक एक करके मार डाला था। कुल मिलाकर उसने 12 मर्डर्स किए थे। ये बैरिक टाउन के लोगों के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर होती, लेकिन इस खबर के मीडिया में फैलने से पहले ही पुलिस ने इस बात को दबा दिया था। इस वजह से ज्यादातर लोगों को जेम्स के बारे में कुछ पता नहीं था। जेम्स मेंटली अनस्टेबल था, इसलिए उसे बैरिक टाउन के मेंटल असाइलम में रखा गया था। चौंका देने वाली बात यह थी कि हर एक आदमी जो जेम्स के हाथों मरा था, उसके चेहरे पर हूबहू वैसे ही क्लाउन का मेकअप था, जैसा आज 10 साल बाद रॉबिन और जॉनी के चेहरे पर पाया गया था। ब्लडी हेल, लेट्स गो गेट हिम। सर, एक बात और, इससे पहले कि उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई हो पाती या उसके मोटिव्स का पता चल पाता, जेम्स ने मेंटल असाइलम के अंदर ही सुसाइड कर ली थी। उस रात जब ऑफिसर जेराल्ड को जेम्स के बारे में पता चला, तो उसके दिमाग में बस एक सवाल था कि जेम्स मर चुका था तो अब ये सब कौन कर रहा है। जेराल्ड ने अपनी टीम के सभी लोगों को जेम्स के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालने का ऑर्डर दिया। साथ ही जेराल्ड ने बैरिक टाउन के कमिश्नर से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर पूरे बैरिक टाउन में सिक्योरिटी फोर्स को और बढ़वा दिया था। अब जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी हो गई थी। शहर में जो कुछ भी हो रहा था उससे सभी लोग डरे हुए थे। एना के पेरेंट्स मेगन और स्टीव भी पिछली रात हुए इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब थे। उन्होंने जब एना से पूछा कि वो कल रात उस ग्रेवयार्ड के अंदर कैसे पहुंची, तो एना के पास कोई जवाब नहीं था। एना की बिगड़ती मेंटल हालत देख एना की मॉम मेगन ने उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर रीटा बैरिक टाउन की एक रेनाउंड चाइल्ड थेरेपिस्ट थी। वैसे तो वो उस दिन छुट्टी पर थी, पर एना के पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने एना को अपने होम क्लिनिक पर ही बुला लिया था। मेगन ने एना को स्कूल से पिकअप किया और वो दोनों सीधा डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक पर चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो एना ने अपने हाथ में वो क्लाउन डॉल ली हुई थी। मेगन ने आना को वो क्लाउन डॉल अंदर ले जाने से मना कर दिया और उस डॉल को वापस गाड़ी में रखकर वो दोनों अंदर चले गए। मेगन आना को डॉक्टर के रूम में छोड़कर बाहर आकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। हेलो आना, मैं रीटा हूँ और मैं लोगों की मदद उन चीजों में करती हूँ जिन्हें वो शायद खुद समझ नहीं पाते। क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगी कि तुम उस ग्रेवयार्ड में क्यों गई थी? एना ने डॉक्टर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बस चुपचाप बैठी जमीन को देखती रही। डॉक्टर रीटा फिर से एना से बात करने की कोशिश करने लगी। एना, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। स्कूल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? डॉक्टर का ये सवाल सुनते ही शांत बैठी एना की आंखें बड़ी हो गईं। उसने डॉक्टर रीटा को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। एना बोली, करते थे कुछ सीनियर्स, पर अब नहीं करेंगे। देखो एना, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी एज में कभी कभी तुम अकेला भी महसूस कर सकती हो, पर आपसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? डॉक्टर रीटा की एना से बात करने की सभी कोशिशें बेकार हो रही थी। कुछ देर और ट्राई करने के बाद डॉक्टर रीटा ने एना को एक चॉकलेट दी और उसे बाहर भेजकर मेगन को अंदर बुला लिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे, लेकिन रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हो रही सारी बातें एना को भी सुनाई दे रही थीं। मैंने कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं,
बाकी डरने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर रीटा की इस बात को सुनकर एना को शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपनी मॉम मेगन के साथ जाकर कार में बैठ गई। कार की बैक सीट पर उसकी क्लाउन डॉल पड़ी थी। जब एना की नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो डॉल एना को ही देख रही हो और उससे कुछ कहना चाह रही हो। एना की मॉम वापस जाने के लिए कार स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी एना ने अपनी मॉम से कहा कि वो अपना बैग डॉक्टर के रूम में भूल आई है। एना कार से उतरी, बैक सीट से अपनी क्लाउन डॉल उठाई और उसने अपनी मॉम को बोला कि वो बस अभी आ रही है। एना उस क्लाउन डॉल को अपने हाथ में लिए डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक के अंदर चली गई। क्या हुआ बेटा? एना कुछ नहीं बोली और सीधा अपने स्कूल बैग की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से एक कैची निकाली और सीधा डॉक्टर रीटा की गर्दन में घुसा दी। डॉक्टर रीटा दर्द से कर्रा उठी। लेकिन उस दिन उनका पूरा स्टाफ छुट्टी पर था, उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एना बार बार उस कैची से डॉक्टर रीटा की गर्दन को स्टैप करने लगी। डॉक्टर रीटा अपनी बेबसी में बस एना के चेहरे को सुन्न होकर देख रही थी। खून की छींटें एना के मुंह पर जा रही थी लेकिन एना रुक ही नहीं रही थी। एना पागल हो चुकी थी। मुझे ठीक करेगी तू? कुछ ही देर बाद एना अपना बैग अपने पीछे लटकाए और वो क्लाउन डॉल हाथों में पकड़े क्लिनिक के बाहर आई और सीधा आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे या कपड़ों पर खून की एक भी छींट नहीं थी, थी तो बस चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। मेगन ने एना के चेहरे पर बड़े दिनों बाद ऐसी स्माइल देखी थी। तब मेगन को लगा कि एना को थेरेपिस्ट के पास लाना शायद एक सही डिसीजन था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एना के हाथों अभी क्या घटा था। दूसरी तरफ ऑफिसर जेराल्ड और उनकी टीम को जेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी। उससे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे केस में आगे बढ़ा जा सके। इतना ही नहीं, वो गुब्बारे जो एकमात्र सबूत थे वो भी बैरिक टाउन या बैरिक टाउन के आसपास की किसी भी शॉप पर अवेलेबल नहीं थे। कोई उस तरह के गुब्बारे बेचता ही नहीं था। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था और शहर में एक और मर्डर हो चुका था, लेकिन इस बार किसी टीनेजर का नहीं बल्कि शहर की एक रेनाउंड थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा का। अगली सुबह जब डॉक्टर रीटा की केस फाइल ऑफिसर जेराल्ड के पास आई तो जेराल्ड ने देखा कि डॉक्टर रीटा के चेहरे पर भी सेम वैसा ही क्लाउन मेकअप है। जेराल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी जेराल्ड का ध्यान डॉक्टर रीटा की केस फाइल में लिखे एक नाम पर गया जिसे देखकर वो चौंक उठा। रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर रीटा की लास्ट कंसल्टेशन का बिल था जिस पर लिखा था मेगन स्टैनली, एना की मॉम का नाम। ऑफिसर, फौरन मेरी गाड़ी निकालो। सर, आपने केस फाइल में ऐसा क्या देखा और हम मेगन स्टैनली के घर क्यों जा रहे हैं? मेगन का इस सब से क्या लेना देना? कुछ देर और रुको, सब समझ आ जाएगा। और अगर मेरा शक सही है तो वो किलर आज ही हमारी कस्टडी में होगा। कुछ ही देर में जेराल्ड एना के घर पर पहुंच चुका था। जेराल्ड ने कार से उतरकर एना के घर की डोरबेल बजाई और एना की मॉम मेगन ने दरवाजा खोला। जी, आप? मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जेराल्ड। आप ही मेगन स्टैनली हैं? हाँ, मैं ही मेगन हूँ। पर क्या हुआ ऑफिसर? इज एवरीथिंग ओके? बैरिक टाउन में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसके बारे में तो आप जानते ही होंगी। जी, उसी से रिलेटेड कुछ पूछताछ करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इतना कहते ही जेराल्ड खुद ही घर के अंदर घुस गया
साथ में उसका एक ऑफिसर भी था। घर को इन्वेस्टिगेट करते हुए जलाल के पैने सवाल शुरू हो गए थे। कल शाम आप कहाँ थी? हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे। हम कौन? मैं और मेरी बेटी। डॉक्टर रीटा के पास? जी। वो तो एक चाइल्ड थेरेपिस्ट है। हाँ, मेरी बेटी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है, इसीलिए डॉक्टर रीटा को दिखाने गए थे। वैसे आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही। वो तो स्कूल गई है। अच्छा, क्या नाम है उसका? एना। क्या मैं उसका कमरा देख सकता हूँ? जी। जेराल्ड एना के रूम में घुसकर छानबीन करने लगा। एना के बेड के नीचे जेराल्ड को एक पुराना सा दिखने वाला वुडन बॉक्स मिला। ये वुडन बॉक्स, ये आपका है? नहीं, मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। वो वुडन बॉक्स एना को उसी दिन मिला था जिस दिन उसे वो क्लाउन डॉल पार्क में पड़ी मिली थी। उस क्लाउन डॉल पर एक नोट भी था जिस पर लिखा था, I missed you kiddo, यानी मैंने तुम्हें मिस किया। और उस नोट के पीछे एक एड्रेस लिखा था। उस एड्रेस को फॉलो करते करते एना एक दुकान पर पहुंची, एक पुरानी कॉस्ट्यूम्स की दुकान। वो जब उस शॉप के अंदर गई तो वो दुकान एकदम खाली थी। बस एक बूढ़ा सा दुकानदार था जो एना को देखते ही बोला, वेलकम बेटा, वेलकम। वो हमेशा कहता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी, मुझे एक मिनट दो, मैं अभी आया। वो दुकानदार अंदर गया और उसने एक वुडन बॉक्स बाहर लाकर एना के हाथों में थमा दिया। तब से वो वुडन बॉक्स एना के पास ही था। उसने सबसे छुपाकर उस बॉक्स को अपने बेड के नीचे रख दिया था, लेकिन जेराल्ड की तेज नजरों ने उस बॉक्स को ढूंढ लिया था। जेराल्ड ने अपने ग्लव्स पहने और उस वुडन बॉक्स को ओपन किया। उस बॉक्स की चीजें देखते ही जेराल्ड की आंखें बड़ी हो गईं। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा अजीबोगरीब सामान था, फेस पेंट और मेकअप का सामान, एक कॉस्ट्यूम जो शायद किसी सर्कस के क्लाउन की थी। जेराल्ड ने जब पूरा बॉक्स ठीक से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बॉक्स के अंदर वही गुब्बारे मिले जो हर मर्डर साइट पर विक्टिम्स के गले से बंधे मिले थे। जेराल्ड ये सब देखकर सुन सा पड़ गया था। उसी डब्बे में एक वीडियो टेप भी था। जेराल्ड ने एना के रूम में रखे टीवी पर जब वो वीडियो टेप चलाया तो उस वीडियो में एक नॉर्मल सा दिखने वाला क्लाउन एक छोटी सी लड़की से बात कर रहा था। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज, कैसा लगा मेरा एक्ट? उस क्लाउन ने ये कहकर उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लिया और उसके साथ हंसते हुए खेलने लगा। फिर जब उसने अपना मास्क उतारा तो उस मास्क के नीचे जेराल्ड को जेम्स का चेहरा दिखा, वही सीरियल किलर जिसने 10 साल पहले सुसाइड की थी। आप जेम्स को तो जानते ही होंगे। नहीं तो क्यों? ठीक आज से 10 साल पहले जेम्स नाम का एक सीरियल किलर पकड़ा गया था। जो मर्डर अभी हो रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से लोगों के मर्डर्स करता था, पर उसने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। पर ऑफिसर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? मेरा इन सब से क्या लेना देना? मुझे लगता है कि अब 10 साल के बाद मर्डर वो नहीं कर रहा है बल्कि आपकी बेटी कर रही है। What nonsense? ये क्या बोल रहे हैं आप? I'm sorry, आपकी बेटी नहीं, जेम्स की बेटी। जेराल्ड की ये बात सुनकर मेगन की रूह कांप गई। असल में एना अडॉप्टेड थी। मेगन और स्टीव को कोई बच्चा नहीं हो रहा था और इसीलिए उन्होंने एक ऑर्फनेज से एना को अडॉप्ट किया था। लेकिन मेगन या स्टीव को यह नहीं पता था कि वो एक सीरियल किलर जेम्स की बेटी थी। मेगन ने जेराल्ड को पूरी बात बताई। जेराल्ड ने तब मेगन को बताया कि एना का असली नाम जेन था और उस वीडियो टेप में जेम्स किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी बेटी जेन के साथ ही खेल रहा था। जेन की असली मदर और अपनी बीवी को भी जेम्स ने ही मार डाला था। जब जेम्स ने मेंटल असाइलम में सुसाइड की थी तो जेन सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए जेन को ऑर्फनेज में डाल दिया गया था।
जहां से मेगन और स्टीव ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसको एना नाम दे दिया। जेराल्ड ने मेगन को यह भी बताया कि पिछली शाम डॉक्टर रीटा का भी मर्डर हो गया था, जिसे सुनकर मेगन के होश उड़ गए। जेराल्ड ने बताया कि जब उनकी केस फाइल में उसे मेगन का नाम दिखा तो उसे एना की ऑर्फनेज के अडॉप्शन पेपर्स की याद आ गई। लेकिन इन सब का शहर में हो रहे मर्डर से क्या रिलेशन है? मतलब साफ है, एना अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और वो अपने मरे हुए बाप की तरह लोगों को मार रही है। सब के सब टीनेजर्स जिनका मर्डर हुआ है वो उसके स्कूल में ही पढ़ते थे, और फिर डॉक्टर रीटा का मर्डर जो एना से मिलने के बाद किसी से नहीं मिली, सब कुछ एना की तरफ ही सिग्नल करता है। और वो एक छोटी सी लड़की है, वो ये सब कैसे? वो तो उसी से पूछना पड़ेगा। ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर को भी बैकअप के लिए एना के स्कूल बुला लो, लेट्स गो। जेराल्ड एना के घर से उसके स्कूल के लिए निकल गया। जेराल्ड को लगा कि उसे अब सारे क्लूज मिल चुके हैं, लेकिन एना के घर के गार्डन में पड़ी वो क्लाउन डॉल उसकी आंखों से नजरअंदाज हो गई थी। वहीं एना की मॉम मेगन अपने आंसू लिए दरवाजे पर शॉक्ड खड़ी थी। मेगन ने स्टीव को फोन मिलाया और रोते हुए कहा, स्टीव, स्टीव, प्लीज जल्दी आ जाओ। जेराल्ड को अब सब साफ साफ समझ आ रहा था। उसे यकीन हो गया था कि एना ही इन सब मर्डर्स के पीछे है, पर उसके मन में एक बात अभी भी खटक रही थी कि 13 साल की एना को ऐसा क्या हुआ जो उसने इस तरीके से इतने भयानक मर्डर्स किए, और वो वुडन बॉक्स उसके पास कहां से आया। इन्हीं सवालों की तलाश में जेराल्ड अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था एना के स्कूल, पर एना अपनी क्लास में नहीं थी। इनफैक्ट वो स्कूल में कहीं भी नहीं मिल रही थी। जेराल्ड की टीम की एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जब गर्ल्स वॉशरूम के अंदर गई तो उसे कुछ बेहद अजीब दिखा। वॉशरूम के शीशे पर खून से लिखा था, हेलो सरप्राइज सरप्राइज। उस फीमेल ऑफिसर ने जैसे ही ये पढ़ा, उस वॉशरूम में किसी लड़की के अजीब तरीके से हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाज वॉशरूम के एक टॉयलेट से ही आ रही थी। जब उस फीमेल ऑफिसर ने नीचे झुककर उस टॉयलेट की ओर देखा तो उसे वहां एक लड़की के पैर दिखे। लेकिन तभी उस टॉयलेट का दरवाजा खुला और सीधा उस फीमेल ऑफिसर के मुंह पर जा लगा, जिससे वो नीचे गिर पड़ी। एक लड़की हंसते हुए उस टॉयलेट से बाहर आई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एना ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। उसके पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप था, कुछ अलग सा ही मेकअप। एना बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। एना के हाथ में वही गुब्बारे थे जो मर्डर विक्टिम्स के गले से बंधे होते थे। एना ने उन गुब्बारों की रस्सी से उस फीमेल ऑफिसर का गला दबाना शुरू कर दिया और उसका गला घोट घोट के उसे वहीं पर मार डाला। एना उसके बाद पागलों की तरह हंसने लगी। वॉशरूम से आ रहे शोर को सुनकर जेराल्ड की टीम उस वॉशरूम के अंदर गई और उन्होंने एना को अरेस्ट कर लिया। उसे फौरन पुलिस स्टेशन लेकर आया गया। उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाकर बांध दिया गया, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह हंसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि एना और ज्यादा भयानक होती जा रही हो। तभी जेराल्ड वो वुडन बॉक्स लेकर इंटेरोगेशन रूम में घुसा और एना से सवाल करने लगा। एना, कैसे मारा रॉबिन, जॉनी और रीटा को? बोलो, बोलो। एना कुछ नहीं बोली, बस हंसती रही। अपने बाप जेम्स की तरह तुम भी पागल हो चुकी हो।
ये सुनकर एना के चेहरे से हंसी गायब हो गई और अब वो जेराल्ड को देखकर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। जेराल्ड ने वो वुडन बॉक्स एना के सामने रख दिया और उससे पूछा, ये वुडन बॉक्स कहां से मिला तुम्हें है? बताओ मुझे, बोलो एना, बोलो। एना फिर कुछ नहीं बोली, बस वो अपनी पैनी नजरों से जेराल्ड को घूरती रही। जेराल्ड एक पल के लिए 13 साल की एना से घबरा सा गया था, लेकिन तभी जेराल्ड का फोन बज उठा। सर, एना के पेरेंट्स मेगन और स्टीव का मर्डर हो गया है और उनके चेहरे पर भी वैसा ही क्लाउन मेकअप है। जेराल्ड ये खबर सुनकर पूरी तरह हिल चुका था। एना जेराल्ड का पीला पड़ा चेहरा देख फिर से जोरों से हंसने लगी। जेराल्ड सुन पड़ गया था, उसे पूरा यकीन था कि एना ने ही सारे मर्डर्स किए हैं, लेकिन फिर अब किसने स्टीव और मेगन को मार डाला था, यह उसकी समझ से परे था। तभी एना हंसते हुए बोली, मेरे डैड वापस आ गए, वो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। एना ये कहते ही पागलों की तरह हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हंसी की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज रही हो। अचानक से इंटरोगेशन रूम में रखे उस वुडन बॉक्स ने आग पकड़ ली और वो जलने लगा। पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स तेजी से जलभुज होने लगी। उस आग में जलते वुडन बॉक्स की रोशनी में एना को फिर वही भयानक क्लाउन दिखा। उस क्लाउन ने मुस्कुराते हुए एना की तरफ वेव किया। इस बार एना को उस क्लाउन में जेम्स की झलक दिख रही थी और एना ने भी मुस्कुराते हुए जेम्स को, यानी उस क्लाउन को वापस वेव किया और दोनों एक दूसरे को देखकर जोरों से हंसने लगे।